जय माता दी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति चैनल। दोस्तों आज 3 नवंबर 2021 नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तो मित्रों आज के विशेषांक में हम जानेंगे नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना शुभ होता है और क्या न करना जो होता है अशुभ होता है। दोस्तों तो दोस्तों चलिए विस्तृत रूप से जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों नरक चतुर्दशी के दिन बात करें, सुबह सबसे पहले सूर्योदय से आप पहले उठकर तिल के तेल से शरीर की मालिश अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सौंदर्य के साथ साथ धन संपदा भौतिक संपदा वृद्धि होती है। नरक चतुर्दशी के दिन आप मार्ग गुड़ली तुलसी के पत्ते की जड़ की मिट्टी इनमें कोई भी चीज अपने सिर पर अवश्य घुमाएं और अपने मस्तक पर लगाकर घर के बाईं ओर फेंक देना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन नहाकर साफ वस्त्र धारण करें, इसके बाद रोली से अपने मस्तक पर तिलक लगा लें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पात्र में तिल वाला जल ले ले और 3 बार अपने अंजलि में भरकर उसे यमराज का तर्पण करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन मंदिर रसोई घर तुलसी पीपल बरगद आंवला आम के पेड़ नीचे नदियों के किनारे बगीचे गौशाला इनमें से किसी भी स्थान पर दोस्तों एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यमराज के तर्पण के बाद 4 मुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं और यमराज से प्रार्थना करें कि वह हमारे सभी पापों के लिए हमें क्षमा कर दे। नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। नरक चतुर्दशी के दिन दोस्तों घर को अच्छी तरह से सफाई करें, विशेषकर दक्षिण दिशा को अवश्य साफ रखें। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से रूप और सौंदर्य की पुत्र प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी अवश्य करें। नरक चतुर्दशी को हनुमान जी की भी पूजा होती है, इसलिए सभी प्रकारों से दोषों से बचने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें। नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर 11 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है दोस्तों नरक चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव हत्या न करें, क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा की जाती है, इसे यमराज क्रोधित हो जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन जिन लोगों के पिता जीवित है वह भूलकर भी तिल से यम देव का तर्पण ना करें। नरक चतुर्दशी के दिन भूलकर भी दक्षिण दिशा को गंदा ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से यमराज कुपित होते हैं और उससे आपके पितर भी नाराज होते हैं। तो दोस्तों आज के इस विशेषांक में आपने जाना नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई, तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।